आप सभी वाणिज्य अर्थात कॉमर्स के स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल वाणिज्य की पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेके आए हैं हम बीकॉम एंट्रेंस सीरीज में कंपनी अकाउंट्स रिलेटेड एमसीक्यू। इसके पहले के जो वीडियोस हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है, और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। ये किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में बीकॉम प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार NFRA है, मतलब NFRA का फुल फॉर्म क्या है, मतलब ये क्या होता है। ऑप्शन अवेलेबल जो है यहां पे हमारे पास है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, बी है नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, सी है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी और डी है नेशनल फ्रॉड रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो जो NFRA है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वो है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसका आंसर होगा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर टू, बोनस अंश दिए जा सकते हैं, मतलब बोनस अंश किस रूप में दिए जा सकते हैं। तो जो बोनस अंश होते हैं केवल साधारण अंशों में दिए जा सकते हैं। इसका आंसर होगा केवल साधारण अंश। क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रस्तावित बोनस खाता चिट्ठे में दिखाया जाता है। तो प्रस्तावित बोनस खाता जो है वो चिट्ठे में चालू दायित्व एवं आयोजन शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, मतलब करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस के अंतर्गत दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, बोनस अंश कंपनी द्वारा निर्गमित किए जाते हैं जब कंपनी लाभांश चुकाती है। तो ऑप्शन जो अवेलेबल है, नगद, बी है अंश निर्गमन के द्वारा, सी है चुकाती नहीं है और डी है कोई नहीं। तो बोनस अंश कंपनी द्वारा निर्गमित किए जाते हैं जब कंपनी लाभांश चुकाती है, तो बोनस अंश चुकाती नहीं है। इसका आंसर होगा चुकाती नहीं है। क्वेश्चन नंबर फाइव, जब बोनस अंश निर्गमित किए जाते हैं तो कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है। तो जब बोनस अंश निर्गमित किए जाते हैं तो अंशधारियों का बोनस खाता क्रेडिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कंपनियों की अधिकतम संख्या डैश दिया है जिसमें एक व्यक्ति निदेशक बन सकता है। तो कंपनियों की अधिकतम संख्या 20 है जिसमें एक व्यक्ति निदेशक बन सकता है। इसका आंसर होगा 20। क्वेश्चन नंबर सेवन, अंतरिम लाभांश को दिखाया जाता है, जो इंटरिम डिविडेंड होता है उसको कहां दिखाया जाता है। उसको हम दिखाते हैं लाभ हानि नियोजन खाता में, मतलब कि पीएल एप्रोप्रिएशन या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इसको हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा लाभ हानि नियोजन खाता। क्वेश्चन नंबर एक, प्रस्तावित लाभांश प्रदत्त पूंजी के 10% से कम हो तो संचयों में हस्तांतरित राशि कितनी होगी। तो संचयों में हस्तांतरित राशि कुछ भी नहीं होगी, अगर 10% से कम होगा तो कुछ भी हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, बैड डेट के अपलेखन हेतु पृथक रखी गई राशि कहलाती है। जब हम बैड डेट को रिटर्न ऑफ करते हैं तो उसके लिए अलग से जो अमाउंट रखा जाता है वो क्या कहलाता है, उसको हम प्रोविजन बोलते हैं, आयोजन। इसका आंसर होगा आयोजन। क्वेश्चन नंबर टेन, विविध व्ययों की चिट्ठे में राशि दिखाई जाती है। तो विविध व्ययों का कौन सी राशि जो चिट्ठे में दिखाई जाती है, जिसका समायोजन नहीं हुआ रहता है, मतलब जिसको हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं वो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ही बना हुआ है। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।